News 18, India. और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। सबसे बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, जहां पर लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया जाएगा। जो जानकारी दी गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इस बात की बधाई दी है और जानकारी भी दी है, लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया जाएगा। देखिए, बहुत पहले से हालांकि इस बात की मांग भी जो है वो की जाती रही है कि लाल कृष्ण आडवाणी को जो है भारत रत्न दिया जाए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है और साथ ही उन्होंने बधाई भी दी है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्य सूत्रधार में से लाल कृष्ण आडवाणी जिन्हें भारत रत्न दिया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अमिताभ सिन्हा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमिताभ जी, एक बहुत ही लंबे समय से इस बात की मांग भी की जाती रही थी कि लाल कृष्ण आडवाणी ने जो हिंदुस्तान के लिए किया उसके लिए उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए, और आखिरकार वो घड़ी अब आ गई है। बिल्कुल, और नरेंद्र मोदी ने खुद ही, प्रधानमंत्री ने अब ट्वीट करके ऐलान किया है कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न दिया जाएगा। ये गुरु शिष्य परंपरा असंग में बहुत ज्यादा चलती है, और मुझे लगता है कि आडवाणी जी के प्रोटेज रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, और आडवाणी जी ने उनको आगे बढ़ाने में, उनके करियर को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो मुझे लगता है इस गुरु शिष्य परंपरा की बहुत बड़ी उपलब्धि रही है कि प्रधानमंत्री ने उनके काम को माना है और अपने गुरु को भारत रत्न से सम्मानित किया है। मैं आपको बता दूं, 2014 में भी लाल कृष्ण आडवाणी ने ही अटल बिहारी वाजपेयी एक इंटरव्यू कर देकर अटल बिहारी वाजपेयी के लिए भारत रत्न की मांग की थी, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उनको भारत रत्न दिया था। इस बार नरेंद्र मोदी उनको भारत रत्न से सम्मानित करेंगे और उससे सम्मानित कर रहे हैं, जिसका ऐलान उन्होंने खुद किया है। और एक लाइन में बता दूं, उन्होंने साफ साफ कहा है कि उन्होंने ग्रास रूट से लेकर शीर्ष तक पहुंचने पर जो देश के को आगे बढ़ाने में योगदान दिया है वो अतुलनीय है, अमूल्य है। बिल्कुल अमिताभ जी, और ये एक डबल खुशी के तौर पर लाल कृष्ण आडवाणी के लिए हो सकता है, क्योंकि वो राम मंदिर जिसके लिए लंबी लड़ाई, जिसके में एक मुख्य सूत्रधार के तौर पर जो है लाल कृष्ण आडवाणी भी थे, और अब जब वो राम मंदिर बनकर तैयार हो गया, उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जा चुकी है, हालांकि बीमारी की वजह से वो वहां नहीं पहुंच सके थे, लेकिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और अब उन्हें भारत रत्न दिया जा रहा है, एक डबल खुशी के तौर पर नया साल जो है एक डबल तोहफा दे रहा है लाल कृष्ण आडवाणी को। बिल्कुल, लाल कृष्ण आडवाणी कौन भूल सकता है अटल लाल कृष्ण आडवाणी की राम जन्मभूमि को लेकर जो उन्होंने यात्रा की थी 1989-90 में, पूरा देश उसको याद करता, और राम जन्मभूमि आंदोलन को उसने एक नई दिशा दी थी और एक नई धार लाई थी, और प्रधानमंत्री उनके सारथी बनकर यहाँ तक पहुंचे। तो जाहिर है प्रधानमंत्री का एक अपने गुरु को एक बहुत बड़ी सौगात दे रहे हैं वो लाल कृष्ण आडवाणी जी के योगदान को मानते हुए, और नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री ने खुद ही ऐलान किया है ट्वीट करके कि उनको भारत रत्न दिया जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है गुरु शिष्य परंपरा को, मुझे लगता है RSS की जो गुरु शिष्य परंपरा है उसकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि ये भी है। बिल्कुल अमिताभ जी, मैं आपके पास लौट रहे एक बार फिर से अपने दर्शकों को, एक बार ये तस्वीरें भी दिखा दें और एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि देखिए, लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, गुलाब का फूल देकर किस तरीके से गुलदस्ता जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल कृष्ण आडवाणी को भेंट के तौर पर देते हुए आए।